नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 5 मार्च, कल के सेशन में करेंसी मार्केट में फिर से हमने एक बड़ा तेजी मंदी का दिन देखा, जहां रुपए में हमने कल के सेशन में अर्ली आवर्स में तो मजबूती आती हुई दिखी और प्राइजेस 73.16 का लो मारता हुआ दिखाई दिया। बट लेटर इन द डे हमने फिर से डॉलर में रीगेन आते हुए देखे। कल के डेटा पॉइंट कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए और फिर से हमने 73.89 के लेवल पर रीगेन करते हुए देखे। वहीं अगर हम यूरो की बात करें तो कल के सेशन में यूरो, पाउंड और येन तीनों ही काउंटर में हमने अच्छी वॉलिटी के साथ मार्केट को ट्रेड करता हुआ देखा। कल शॉर्ट कवरिंग के चलते यूरो INR 82 के करीब जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जबकि GBP INR में दिन की गिरावट पूरी ही रिकवर करती हुई दिखाई दी और 94 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। JPY में भी सेफ हेवन बाइंग के चलते हमने कंटिन्यू बाइंग आते हुए देखी, जिसके चलते 6840 के करीब हमने JPY को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के सेशन की बात करें तो मॉर्निंग में रुपया मजबूत खुलने की उम्मीद जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं है। हमें लगता है प्राइजेस 73.40 73.50 के इंपॉर्टेंट जोन में बैठा हुआ है। इस रेंज में आने पे बाइंग करके चलिए, जो 73.85-90 तक का लेवल दिखा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी में रेट कट है, जिसके चलते सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कम रहे, तो उम्मीद है इंडिया में भी रेट कट हो सकती है। तो आज दिन के सेशन में मार्केट 73.80-90 तक जाने की कोशिश करेगा। अनलेस एंड अनटिल 74 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस 73.50 से 73.90 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यूरो के प्राइजेस में आज तेजी का रुख रहेगा, 82 का लेवल तोड़ने पे 82.40 तक दिखा सकता है, जबकि पाउंड में तेजी के साथ मार्केट ट्रेड करेगा, 95 तक के भी लेवल हम पाउंड में देख पाएंगे, जबकि JPY में भी तेजी रुख कंटिन्यू है, जो 69 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। धन्यवाद।